Hey guys, good morning. Welcome back to our channel. Phone charge हो रहा है. So चलिए आज मैं क्या करने वाली हूँ. आज ये देखो हमारे फ्रिज की हालत दिख रही होगी आपको. ये साइड से भी भरा पड़ा है. So हाँ, उससे पहले ये देखिए निष्ठा ने कितना अच्छा लिखा है ना. I love you, you love me and she's happy. ये पूरा है actually. Like I love you, you love me. Together we are a happy family. But इतने words उसको मिले नहीं alphabet उसके अंदर. But so sweet है, उसने खुद से लिखा and she showed to me. मैं वो capture नहीं कर पाई actually. क्योंकि मैं कुछ कर रही थी, अब अपना आराम से लगी हुई थी. मुझे लगा शायद ऐसे ही play कर रही हूँ. So चलिए आज हम लोग बस ये थोड़ा फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं. घर मेरा सेट है पूरा. और पुराना मेरा व्लॉग आ चुका है. जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा है जाके देखिए. इंस्टाग्राम की हैंडल्स भी मैंने मेंशन किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कीजिए. हमारी सारी जो मतलब हम लोग रील्स बनाते हैं जो है वो सब इंस्टाग्राम पे है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और खाने की रेसिपीज भी आ रही हैं. सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस. ऐसे ही हम लोग प्यार देते रहिए. हम लोग वीडियोज बनाते रहेंगे और जैसे जैसे मैं करती हूँ ये मैं आपको दिखाती रहती हूँ. ऑर्गेनाइज करते हैं या सो यस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलो मेरी डिशेस हो गई हैं वॉश. वापस से मैं घड़ी पहन लेती हूँ अपनी. स्टेप्स मॉनिटर भी तो करने जरूरी है ना. वॉक पे मैं गई थी बट यू नो इट्स गुड. पूरे दिन का वो मॉनिटर हो जाता है. चलो सो वैसे भी आप लोग को पता होगा कि हमारे इंडियन फ्रिज कितने काम आते हैं. साइड पॉकेट्स 6 टॉप सब भरा रहता है हम लोगों का. जैसे कि मेरा भरा हुआ है. हर बार मैं उसको खाली करती हूँ और ये वापस से भर जाता है. तो ये पोर्शन इतना ही रखने देते हैं क्योंकि ये तो देखो यहाँ पर ही अच्छा लग रहा है. तो इसको तो यहाँ रखेंगे बस. इसकी हम क्लीनिंग कर देंगे. और बचता है हमारा ये देखो सर्दी की बेल्ट भी गई है. सम चॉकलेट्स ये मैं डाल दूंगी बॉक्स में. देखो थोड़ी सी ही बची हैं. ओनली फ्यू आर लेफ्ट 5-6. हमारे घर में चॉकलेट्स आपको बेहिसाब मिलेंगे क्योंकि हम सबको चॉकलेट्स पसंद है. और ये देखो इसमें लॉली बॉक्स भी पड़ी है. ओह माय गॉड. चलो अभी इसको हम लोग इतना ही रखते हैं. और जो ये आपको पेंटिंग दिख रही है ये देखिए है ना अच्छी. ये मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे. दिस इज आई थिंक 6 ईयर ओल्ड पेंटिंग. और ये मेरे को दी थी तानिया ने. थैंक यू तानिया. अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना. ये पेंटिंग मैंने आज भी संभाल के रखी है देख लो. और यहीं पे पड़ी है ताकि सबको दिखे. थैंक यू लव यू. सो इसका हम लोग अभी ऐसे ही रखते हैं. इसके बाद मैं क्लीनिंग कर दूंगी मीन्स डस्टिंग कर दूंगी. बट इसको अभी नहीं छोड़ती क्योंकि ये एक साथ का काम है. और ये मेरी इसको बाद में करेंगे क्योंकि इसको सिर्फ डस्टिंग की जरूरत है नथिंग एल्स. एंड अब नाउ कम्स द मेजर पार्ट द साइड पॉकेट. तो चलो पहले मैं उसको निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे मैं क्या कर रही हूँ. कहाँ इसको साफ होने के बाद दिखाती हूँ क्योंकि अभी तो इसमें देखो बहुत सारा सामान है. और आप लोग को पता ही है कुछ भी चीज आए घर में तो कुछ भी वारंटी पेपर्स हो मेन्यू कार्ड्स हो सब जाते हैं हमारे. ये कहाँ का मेन्यू है भाई. ज्यादातर अफगान. ओके कहीं का भी मेन्यू कुछ भी हो कुछ भी छोटे मोटे पेपर्स कहाँ जाते हैं फ्रिज के साइड पॉकेट्स में. इसलिए मैंने जो हमारा ओल्ड फ्रिज था जिनको पता है उसमें मैंने ये फ्रिज कवर नहीं लिया था. तो हमारा फ्रिज एकदम क्लीन रहता था. लेट्स सी. चलो कुछ नहीं होता. इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. और ये देखो. चलो ये मैं आपको डिटेलिंग बात में दिखाती हूँ. चलो पहले मैं इसका सामान निकाल लेती हूँ सारा और फिर आपको दिखाती हूँ फ्रिज. सो ये जो गणेश जी फ्रिज पे रखे हुए थे उसका पहले ये जो भी डेकोरेशन आइटम्स हैं प्लेट फ्लावर्स ये जो भी है सब कुछ मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया है इसको क्लीनिंग के लिए. अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा फाइनल फ्रिज. क्लीन कर दिया है ये देखो. साइड पॉकेट्स एकदम क्लीन. इधर की भी क्लीन हो चुकी है ये दिख ही रहा होगा. और बाकी का जो वो सामान था हमारा वो मैंने यहाँ पर वॉश करके रख दिया है. ये ड्राई हो जाए एक बारी.
मैं इसको लगाऊंगी वापस। बस अभी यही प्रोग्राम चल रहा है, अभी फ्रिज एकदम क्लीन हो गई है, बस अभी मुझे करना है झाड़ू पोछा और बस क्लीनिंग करती हूँ जब तक वो भी ड्राई हो जाएगा। गणेश जी मैंने यहाँ पर धो कर रख दिए हैं अच्छे से, ये भी ड्राई हो जाएंगे, बस फिर मैं इसको फ्रिज पे लगाती हूँ। और ये देखो मैं आपको बोल रही थी फोटोज हमारी, ये इसमें निष्ठू थी 2.5 मंथ्स की, ये जब वो बॉर्न हुई थी उसकी पूजा थी, ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी विद निष्ठू, ये मेरी मम्मा, ये निष्ठू 4 मंथ्स, ये हमारी, ये मेरा नेफ्यू है वीर, ये माय फैमिली, ये निष्ठू अगेन, और ये थोड़े बहुत फ्रिज मैग्नेट्स हैं, तो कुछ ऐसा सा है ये। और बस अभी यही है, तो चलो अभी मैं फटाफट नहा लेती हूँ और फिर ये ड्राई होता तो मैं आपको फाइनल फ्रिज का। सो ये हमारा फाइनल लुक है फ्रिज का, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम, देखो है ना। जय गणेश, गणपति बापा मोरया, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस ग्रोसरी से थोड़ा मिल्क ब्रेड एंड डोसा बाटा लेने जा रहे हैं। तो चलिए अभी है निष्ठा का प्रोजेक्ट, कल उसको रॉकेट लेके जाना है घर से बनाते, तो हम लोग ले रहे हैं कि बॉटल मैं ले रही हूँ और एक ये ले रही हूँ जिससे भी इजीली बन जाएगा और अच्छा लगेगा उससे बनाएंगे। तो आप लोग को भी अगर अपने बच्चों को प्रोजेक्ट है रॉकेट, इट इज DIY, मतलब घर में जो चीजें अवेलेबल है बस उसी से बनाएंगे। मटेरियल मैं इकट्ठा कर देती हूँ सारा, भी मेन मटेरियल दिखा दिया आपको, या तो एक बड़ा बॉटल चाहिए और एक ये फॉइल रोल ले लो या टिश्यू पेपर रोल ले लो, जो स्मॉल टॉयलेट रोल्स आते हैं उसका, और बाकी मटेरियल मैं इकट्ठा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो बने रहिए और इसको एंजॉय कीजिए रॉकेट बाय निष्ठा। सो प्रोजेक्ट से पहले पेट पूजा कर लेते हैं, मैंने बनाई है दाल आलू गोभी की सब्जी और रोटी, चलिए एंजॉय करते हैं। सो चलिए गाइस, ये वीडियो होने वाला है कंटिन्यू बिकॉज अदरवाइज ये बहुत लॉन्ग हो जाता है, ये जो पूरा रॉकेट हमने कैसे बनाया उसका वीडियो कल आएगा। सो स्टे ट्यून, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून एंड दिस विल टर्न आउट अमेजिंग। बाय बाय।